दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। से दीपावली की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल के निर्देशानुसार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला इकाई के द्वारा दीपावली को दीपोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के द्वारा अद्री नदी स्थित महादलित बस्ती में महिलाओं के बीच वस्त्र एवं मिठाइयां बांटी गई। तत्पश्चात सदर अस्पताल में मरीजों के बीच मिठाइयां एवं फलों का वितरण किया गया। इस मौके पर एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश, अभियान एसपी राजेश कुमार सिंह, एसडीएम प्रदीप कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश कुमार, सचिव दीपक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। फल वितरण के बाद जिलाधिकारी, एसपी एवं समस्त पदाधिकारियों ने रेड क्रॉस परिसर में दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी एवं एसपी के द्वारा इस उत्सव में आमंत्रित वरीय नागरिकों, पेंशनर समाज के लोगों, सेवानिवृत्त फौजियों, दिव्यांग संघ के सदस्यों को सम्मानित किया गया। दीपावली उत्सव मनाया जाए और समाज के एक बड़े वर्ग को बुलाकर उनके साथ आपस में एक दूसरे को मिठाई के आयोजन और खुद चश्मदीद आज के इस कार्यक्रम के एक प्रयास किया है और प्रयास को सफल बनाने में आप सभी लोगों का अहम योगदान है। जब तक आपकी उपस्थिति नहीं हो प्रेसिडेंट होने के नाते रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन माननीय सतीश बाबू, आज रेड क्रॉस के दीपावली लग रहा है। कैसे कैसे कि मिठाई कपड़ा मच्छरदानी मिल रहा है, आप लोग खुश है ना? हम लोग खुश है सब। आज तक ऐसे ना ले हो? आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। रेड क्रॉस संस्था जो मानवता और सेवा को समर्पित है, इस बार निश्चय लिया था रेड क्रॉस के सभी पदाधिकारी उसके सदस्यों ने कि हम लोग जो हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग संगठन के हमारे सदस्य हैं, पेंशनर्स हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, किसी भी समाज के बुजुर्ग हैं, उन सबों के साथ हम लोग दिवाली का एक कार्यक्रम करें और इस कार्यक्रम को आगे हम लोग विस्तार देंगे। अभी तो बस छोटी सी मिठाई और एक छोटा गिफ्ट दिया है रेड क्रॉस ने, जिला प्रशासन ने इसमें सहयोग किया है। हम लोग इसमें चाहेंगे कि आगे सरकार के कानून तो हैं ही उनके सुरक्षा के लिए, और भरण पोषण नहीं हो रहा है तो उसके लिए एसडीओ कोर्ट में उनकी सुनवाई हो, हम लोग ऐसा बाध्य करते हैं उनके बच्चों या जो भी हैं उनको कि वो उनका भरण पोषण करें, नहीं तो संपत्ति में उनका हिस्सा दिला के उसका केयर टेकर किसी को बनाते हैं वो तो अलग चीज़ है। कानून का पालन करना, हम समाज का मन बदलना चाह रहे हैं। ये वो पेड़ है जिनकी हम छाया में संवर सके, पढ़ाई कर सके, बढ़ सके आगे,
को बचाए रखना है, सींचते रहें, लोगों का आशीर्वाद हमेशा काम आएगा। आने वाले सालों में हम लोग कभी सुनेंगे इस तरह की बातचीत करके, इनसे इनके रचनात्मक चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके सर्टिफिकेट के लिए भी हमारे विभाग और तत्परता से काम करेंगे। दिव्यांग संगठन की समस्याएँ हैं उसको भी हम लोग आगे सुलझाएंगे। राज्य सरकार काफ़ी संवेदनशील है इस मामले में। तो ये कार्यक्रम एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव है कि बुजुर्गों के जीवन में भी खुशी हमारे साथ पूरे प्रशासन के साथ दिवाली में आई, यही इसका उद्देश्य है। औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह पर शराब माफियाओं द्वारा किए गए जानलेवा हमले तथा उसके बाद मामले में देवथाना पुलिस की सुस्ती के खिलाफ कांग्रेस ने आज देव प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। विधायक आनंद शंकर के नेतृत्व में धरना पर बैठे कांग्रेसियों ने नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को फालतू का फैसला बताते हुए कहा कि शराबबंदी की बात तो दूर, अब तो शराब की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। विधायक ने देवथाना पर भी गंभीर आरोप लगाया। विगत कुछ दिनों पहले हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री धीरेंद्र कुमार सिंह जी के ऊपर शराब माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। वो हमला भी किस लिए? इसलिए कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना देकर कि यहाँ पर शराब की तस्करी हो रही है, उन लोगों को पकड़वाने का काम किया, इसके लिए उन पे जानलेवा हमला किया गया। और आज तक मुझे लगता है कि कम से कम महीना दिन के आसपास में बीतने को है, आज तक अभियुक्तों की, किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, ये प्रशासन जो मुखिया जो हैं इस प्रदेश के नीतीश कुमार जी, हर जगह जाकर ये बोलते हैं कि शराबबंदी सफल है। मुझे तो नहीं लगता कि औरंगाबाद में शराबबंदी सफल है। जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको शराब माफिया कहीं ना कहीं से डोर स्टेप घर में, आप ऑर्डर कीजिए, घर में आपके शराब पहुंच जाएगी। तो फिर किस प्रकार की बंदी, किस चीज़ का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मांगे सर आपको? मांग ये है कि जो भी अभियुक्त हैं जिन्होंने जानलेवा हमला किया सहकारिता प्रकोष्ठ के हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री धीरेंद्र कुमार सिंह जी पर, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और शराब माफियाओं पर अंकुश लगाए प्रशासन, वरना यह आंदोलन और तेज करने का काम करेंगे हम लोग। औरंगाबाद पुलिस ने नरेश सिंह भोक्ता हत्या मामले में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। CRPF तथा जिला पुलिस की टीम ने मदनपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से इनकी गिरफ्तारी की है। गौरतलब है कि मदनपुर के सहयार निवासी नरेश सिंह भोक्ता की हत्या हथियारबंद नक्सलियों ने बीते 2 नवंबर को कर दी थी। ASP अभियान ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने अभियान चलाकर इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। भोक्ता जो हत्याकांड हुआ है उसमें FIR दर्ज कराया गया है उसके पत्नी के द्वारा, जिसमें 28 नेम्ड और 60 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR कराया गया है, जिसमें से कल छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी लोग गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महाराजगंज के एरका में हुए सड़क हादसे के दौरान 40 वर्षीय गोपाल प्रसाद की हुई मृत्यु के पश्चात आज देव के CEO ने उनकी पत्नी गायत्री देवी को 4 लाख रुपए का चेक अनुग्रह राशि के रूप में उन्हें प्रदान किया। गौरतलब है कि 4 मार्च 2017 को सड़क दुर्घटना में गोपाल प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उन्हें PMCH पटना रेफर कर दिया था, जहां 9 मार्च 2017 को उनकी मौत हो गई थी। गोपाल प्रसाद, स्वर्गीय गोपाल प्रसाद, जिनका उम्र लगभग 40 साल था, सड़क दुर्घटना हुई थी 4/3/17 को, और वो एका कॉलोनी है महाराजगंज रोड में औरंगाबाद में, वही सड़क दुर्घटना हुई थी, सामूहिक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिनमें इनका इलाज के लिए ये पटना गए PMCH, और वहीं 9/3/17 को इनका देहांत हो गया। और इनकी पत्नी है गायत्री देवी, जिनको आज आपदा विभाग की ओर से 4 लाख रुपया अनुग्रह राशि अनुदान के रूप में दी गई। औरंगाबाद का सामाजिक संस्था रोटरैक्ट क्लब मौरा से जुड़े सदस्य आजोरा पंचायत के यारी टोले कई बिघा पहुंचे,
जहां दिवाली के शुभ अवसर पर उन्होंने बस्ती के लगभग 50 लोगों के बीच में दिया, तेल, रुई एवं मिठाई का वितरण किया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से यह सामाजिक संस्था विभिन्न क्षेत्रों में जाकर गरीब और जरूरतमंदों के बीच आवश्यक सामग्री का वितरण करती आ रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।